हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए और बहुत सारा पढ़ते रहिए। खूब तरक्की कीजिए और अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन करिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस मेडीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। JEE मेडी के मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम चेंजेज इन ग्रोथ रेट, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे आज हम। चेंजेज इन ग्रोथ रेट, आफ्टर एनालाइज द डिटरमाइंस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, वाज डिस्कस दोज कंडीशंस वेयर वाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी विल इंक्रीज और डिक्रीज। एज मेडी अज्यूम द कॉन्स्टेंसी ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्स्टेंसी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी आर, देन द चेंजेज इन वाई माइनस एल वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ एस, वी एंड क्यू। As no change occur in population and technology and saving, increase the amount of capital, but in this way the MPK will come down. Thus, because of increase in saving, there will be a slower increase in the production. In such state of affairs, the VS will decrease. If technical progress take place, such negative effects on V will be offset. It means that if we, with the passage of time, the change in R occur, it will have an effect on V. It also because, it is so because that the productivity of all factors will increase of R, leading to increased saving. Moreover, the saving in an economy also depend upon distribution of income. If the share of profit in national income distribution increase, the saving will increase. चेंज इन ग्रोथ रेट की बात करें हम, तो इस चेंज इन ग्रोथ रेट में हमने आफ्टर द एनालाइज द डिटरमेंट्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इनकम विल डिस्कस दोज कंडीशन वेयर वाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, जैसे हम विश्लेषण करने के बाद उन प्रस्तुति पर चर्चा करते हैं कि जो अर्थ की अर्थव्यवस्था घटेगी या बढ़ेगी, विकास ग्रोथ रेट के इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर, आय की विकास दर, तो जिसमें अर्थव्यवस्था घटेगी या बढ़ेगी। जैसा कि मीडी की ने जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट IL और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रेट है वो R की कंटिन्यूसी को मापा, निरंतरता को माना, तो Y माइनस L में परिवर्तन S, V और Q के व्यवहार पर निर्भर करेगा। S, V और Q के व्यवहार पर निर्भर कर रहेगा ये। ठीक है, अभी हम बात करें आगे। चूंकि जनसंख्या, इसलिए क्योंकि जनसंख्या और टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बचत से पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, हम कांस्टेंट ये, और लेकिन इस तरह से MPK नीचे आ जाएगा। इस प्रकार बचत में वृद्धि के कारण उत्पादन में धीमी वृद्धि होगी। ठीक है, देखो, जनसंख्या प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बचत से पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। बचत होगी तो कैपिटल बढ़ेगी, तो इस तरीके से M और PK है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार बचत में वृद्धि के कारण उत्पादन में धीमी वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन में धीमी वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि बचत हमारी इंक्रीज हो रही है। बचत इंक्रीज इसलिए हो, इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजप्शन नहीं होगा, लोग चीज़ों को खरीद ही नहीं रहे, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन अपने आप घट जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जो बी एस होगा वो भी घट जाएगा। यदि तकनीकी प्रगति होती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होता है,
तो वी एस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और इसका अर्थ है कि यदि समय जो टाइम एक्सपेंड होगा उसके साथ साथ आर में परिवर्तन होता है तो बी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। समय आर मतलब हमारा आर में कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कोई भी चीज़ का टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट का, तो बी में भी चेंज होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि बचत बढ़ाने के लिए आर के कारक सभी कारकों की उत्पादकता बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक अर्थव्यवस्था में बचत भी आय के वितरण पर निर्भर करती है। अगर राष्ट्रीय आय वितरण में मुनाफे का हिस्सा बढ़ता है तो बचत बढ़ेगी। इसने जो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारी समान होती जाएगी तो लोगों की सेविंग बढ़ेगी। लोगों की जब सेविंग बढ़ेगी तो जब सेविंग बढ़ती जाएंगी तो लोगों का प्रोडक्शन गिरेगा, क्योंकि क्योंकि प्रोडक्शन पर हम खर्चा ही हमारे कंजप्शन पर खर्चा नहीं कर रहे, हम सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से तो ग्रोथ रेट ऑफ जो चेंज इन ग्रोथ रेट में सारी चीज़ें हैं, चेंज ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग सेविंग करेंगे तो इनकम जो नेशनल इनकम तो इंक्रीज होगी, जीडीपी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा हमारा। अब मैं बात करूँ टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हम देखो इसमें द टेक्निकल प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड विद दोज इफेक्ट्स विच अकर ऑन द एमपी एज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। द नेचुरल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस कैन बी लेबर सेविंग एज वेल एज लेबर इंटेंसिव। जो हमारी बात कर रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके प्रभावों को मेजर करेंगे, जो कि है अदर जो बहुत सारे फैक्टर्स के जो बहुत सारे जो फैक्टर जैसे एम पीज जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है एम पीज के, तो उसके घटित होने पर ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। द नेचर ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस कैन बी लेबर सेविंग एज वेल एज लेबर इंटेंसिव। तो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसका नेचर लेबर सेविंग के साथ साथ में लेबर इंटेंसिव भी है। इफ टेक्निकल प्रोग्रेस लीड टू लेबर सेविंग, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस लेबर सेविंग को लीड कर रहा है तो एम पी एल विच इज शोन बाय क्यू इक्वल टू डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय वाई विल इंक्रीज। इफ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस द यूज ऑफ लेबर इंक्रीज द एम पी एल इक्वल टू क्यू इक्वल टू डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय वाई विल डिक्रीज। अगर हमारा लेबर सेविंग है तो जो डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय वाई वो इंक्रीज होगा। अगर हमारा लेबर इंक्रीज हो रहा है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के साथ टेक्निकल चेंज की वजह से तो डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई वाई डिक्रीज हो जाएगा। द टेक्निकल प्रोग्रेस विच लीड टू इंक्रीज द यूज ऑफ मशीनरी द एम पी के इक्वल टू यू इक्वल टू वी के डिवाइडेड बाई वाई विल इंक्रीज। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है तो वो मशीनरी का यूजेज वो इंक्रीज हो रहा है तो U इक्वल टू वी के डिवाइडेड बाई वाई इंक्रीज होगा। वाइल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज विच इज लेबर इंटेंसिव द U विल डिक्रीज। अगर लेबर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और लेबर मतलब डिक्रीज हो जा रही है टेक्नोलॉजी और हम लेबर का यूज कर रहे हैं तो U है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। द अबव डिस्कशन सो दैट द रेट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी वाई इज डिटरमाइंड बाई रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन वी एस एंड टेक्निकल प्रोग्रेस आर पॉपुलेशन रिमेनिंग द सेम इट इज एज वाई इक्वल टू वी एस प्लस आर। जो हमारी वाई होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमिक ग्रोथ एन इकोनॉमी जो रेट ऑफ इकोनॉमिक होगी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमी की वो वाई है और वी एस हमारा जो कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है उसकी रेट है और आर इज टेक्निकल प्रोग्रेस। तो पॉपुलेशन रिमेन द सेम इट इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एस प्लस आर। तो ये बात की हमने अभी जो टेक्निकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये मेडी ने हमें बताया। एक डायग्राम है इसमें आप अब ई नोट देखेंगे तब इफ़ आर रिमेन कॉन्स्टेंट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन वी एस इट इज़ शोन बाय द फिगर डाई और डायग्राम।
देखो वाई ओ और के, मैं बात करूँ जी वन, हियर द कर्व ओ जी वन रिप्रेजेंट दैट लेवल ऑफ आउटपुट, द ओ जी है लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है, विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन ए ईयर। तो जो कि जो जी वन है प्रोडक्शन हो रहा है अपना, लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है, तो अपना जो ए है, ए पॉइंट जो है उसकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन ए ईयर, इफ़ वी एम्प्लॉय ओ एल, अगर बी एम जो है वो एम्प्लॉय ओ एल ऑफ मशीनरी, ओ एल है मशीनरी का, द लेवल ऑफ आउटपुट है इज एल आर, जो है हमारा जो मशीनरी का ओ एल पॉइंट पर, एल आर अपना जी वन पे है, इफ अमाउंट ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज टू ओ एम, अगर जो ओ एल मशीनरी का अमाउंट ओ एल से बढ़ के ओ एम तक इंक्रीज होता है, द प्रोडक्शन विल राइज टू एम ई। तो प्रोडक्शन देखो ओ एल यूज़ ले रहे थे तो ओ आर तक यू था वो, और जब ओ एम यूज़ कर रहे हैं तो ओ ई तक, सॉरी एम ई, एल आर से वो ओ एल अपन जब मशीनरी यूज़ कर रहे थे तो एल से आर पॉइंट पर पहुंच रहा था अपना प्रोडक्शन, और ओ एम प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं मशीनरी का तो अपन ई एम ई के पॉइंट तक जा रहा है। एज द स्लोप ऑफ द कर्व ओ जी वन हैज गॉन डाउन एट ई एज कंपेयर विद द पॉइंट आर, दिस शो दैट हेयर द एम पी के, जो एम पी के हैज गॉन डाउन, इफ वी टेक द नेक्स्ट ईयर द न्यू कर्व ओ जी टू कम्स इन टू बींग बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्रोथ, टेक्निकल ग्रोथ की वजह नेक्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन था हमारा आउटपुट जी टू हो जाता है, ओ जी टू हो जाता है वो टेक्निकल ग्रोथ की वजह से, एज द सेकेंड ईयर द टेक्निकल प्रोग्रेस हैज़ बीन प्लेस, देन विद द सेम कैपिटल द एल डी आउटपुट इज बी बींग प्रोसीड प्रोड्यूस विच इज मोर देन अर्लियर, अगेन विद ओ एम कैपिटल इन द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकल ग्रोथ द एम एफ आउटपुट इज बींग प्रोड्यूस, ऑल द मीन्स द टेक्निकल चेंज मे हैव द इफेक्ट ऑफ बूस्टिंग नेशनल आउटपुट। देखो वो जो हमारा पहला जो फर्स्ट ईयर की बात करें, जी वन है हमारा आउटपुट को शो कर रहा है ओ जी वन, तो ओ एल मशीनरी का यूज़ करने पर हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आर तक हो रहा है, एल आर तक, और जैसे ही हमने मशीनरी इंक्रीज की, मशीनरी और लगाई ओ एम तक, हमने जब मशीनरी लगाई ओ एम से, जब तो हमने ओ जी वन पर हम प्रोडक्शन चेक करते हैं तो वो हमारा एम ई प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो ओ एल के कंपेरिजन में ओ एम जो मशीनरी यूज़ की उस पर ओ एल के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कम प्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे ही हमने सेकेंड ईयर की बात करें, ओ जी टू की बात करें, प्रोडक्शन इंक्रीज, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है हमारी, तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने पर उसी मशीनरी पर ओ एल मशीनरी यूज़ करने पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो एल डी हो गया, ओ जी आउटपुट पर डी एल डी प्रोडक्शन हुआ, और जब हमने मशीनरी और लगाई तो प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ, और वो प्रोडक्शन ओ एम मशीनरी पर ओ एफ हो गया। तो इस मीन जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे नेशनल आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बात की हमने, टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी के जब प्रोग्रेस हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि नहीं, बात हुई है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ स्टीडी ग्रोथ, इफ द लेवल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस रिमेन्स सेम एंड पॉपुलेशन इंक्रीज एट सम पर्टिकुलर रेट, अगर जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो रिमेन है, बनी रहेगी, और हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है सेम पर्टिकुलर रेट से, इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम देखो क्या बात करते हैं उस पर, तो दी देन द स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज द नेचर ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस शुड बी नेचुरल फॉर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो नेचर होगा टेक्निकल प्रोग्रेस का वो शुड नेचुरल होगा फॉर सभी, जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब के लिए, जितने भी टेक्निकल जो है वो सबके लिए सेम रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन इज
the elasticities of substitutions between factor of production are equal to 1. जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे अपने, उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी, मीन्स यूनिटरी इलास्टिसिटी का फॉलोअप होगा. एंड द रेशियो ऑफ वेजेज प्रॉफिट एंड रेंट रिमेन द सेम. जो रेशियो होगा वेजेज का, प्रॉफिट का और रेंट का, ये सब बिल्कुल सेम रहेंगे. मतलब रेंट भी बिल्कुल जितना ही दिया जाएगा एंड वेजेज भी और प्रॉफिट सब सेम रहेंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन एन आई यू, द प्रोपोर्शन ऑफ वेजेज इन एन आई क्यू एंड प्रोपोर्शन ऑफ रेंट इन एन आई जेड. द प्रॉफिट और वेजेज और रेंट का जो प्रोपोर्शन है यू क्यू जेड ऑल रिमेन सेम व्हेन द इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इन दिस कनेक्शन मेड इंट्रोड्यूस न्यू सिंबल्स दे आर एज. कोई भी हमारे जब अगर इंक्रीज टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं हो रहे और पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो हमारे जो प्रोपोर्शन रहेगा लैंड का, सॉरी रेंट का, प्रॉफिट का और जो वेजेज का जो है वो प्रोपोर्शन सेम रहेगा. तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रोफेक्ट आउटपुट इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, वो ऐसे होगी. द एस वी सो द सेविंग आउटपुट ऑफ प्रॉफिट एंड द एस डब्ल्यू द सेविंग आउटपुट ऑफ वेजेज एंड एस जी रिप्रेजेंट द सेविंग आउटपुट ऑफ रेंट दस द सेविंग ऑफ इकोनॉमी आर एज एस इक्वल टू एस वी यू प्लस एस डब्ल्यू क्यू प्लस एस एस जेड. तो यू हमारा जो एस वी यू है वो वेजेज के लिए है और एस डब्ल्यू क्यू है वो हमारे एस वी यू है वो हमारे प्रॉफिट के लिए है और एस डब्ल्यू क्यू है वो हमारे वेजेज के लिए है और एस एस जेड है वो हमारे रेंट के लिए. वी राइट द बेसिक इक्वेशन y इक्वल टू यू के प्लस क्यू आई प्लस आर. एज यू क्यू एंड आई आर रिमेन कॉन्स्टेंट देन द प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन कैपिटल. इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स द प्रोडक्शन विल रिमेन कॉन्स्टेंट एज ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू एस वाई डिवाइडेड बाई के. वेयर एस वाई रिप्रेजेंट दैट एनुअल इंक्रीज इन कैपिटल विच बिकम पॉसिबल ड्यू टू सेविंग एज वी एज्यूम अबव दैट रिमेन कॉन्स्टेंट. हेंस एस वाई डिवाइडेड बाई के वुड रिमेन कॉन्स्टेंट इफ वाई डिवाइडेड बाई के रिमेन कॉन्स्टेंट. दिस वुड हैपन इफ के एंड वाई ग्रो एट द सेम रेट. जो के और वाई वो दोनों एक साथ में ग्रो करेंगे, डिवाइड कर लो एस वाई और के को और वाई को डिवाइड किया के से, तो ये दोनों जब जो एक साथ ही हमारे जो जो सेम रेट से इंक्रीज होंगे, ग्रो होंगे. दस अकॉर्डिंग टू मेडी द इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन. मेडी से दैट देयर एग्जिस्ट ए क्रिटिकल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन वेयर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल वुड बी इक्वल. नाउ वी इंट्रोड्यूस सच क्रिटिकल ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द मॉडल ए इक्वल टू यू ए प्लस क्यू आई प्लस आर ओ और ए माइनस यू ए इक्वल टू क्यू एल प्लस आर. ए वन माइनस यू इक्वल टू क्यू एल प्लस आर और ए इक्वल टू क्यू वन सॉरी क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाय वन माइनस यू. एट सच क्रिटिकल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन ए द वाई इक्वल टू के. जो मैंने पहले भी बोला था दोनों ग्रोथ रेट वेयर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम विल रिमेन कॉन्स्टेंट. वाई और के की जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल सेम रहेगी. Therefore, if the growth rate of capital accumulation is QL plus R divided by 1 minus Q, the rate of increase in production will also be Q1 plus R divided by 1 minus U. And here the condition of steady
एंड ग्रोथ विल बी मेट इफ एस वाई डिवाइडेड बाई के ग्रेटर देन क्यू वन सॉरी क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई वन माइनस क्यू। अगर मैं बात करूँ ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो है जो क्यू एल प्लस आर वन डिवाइडेड वन माइनस यू है तो कंडीशन स्टडी ग्रोथ विल बी मैट। ठीक है, अगर हम कंडीशंस की बात करें ये दोनों ग्रेटर देन एस वाई डिवाइडेड बाई के ग्रेटर देन है क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस क्यू विच मीन्स दैट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्विजिशन विल बी मोर देन इट्स कंज्यूमर पार्ट क्रिटिकल रेट। जो क्रिटिकल रेट है कंज्यूमर पार्ट की उसकी सेविंग की उसको ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी इस वजह से। और इन सच सिचुएशन द एम पी के एंड प्रॉफिट्स विल डिक्रीज लीडिंग टू रिड्यूस द सेविंग। या सेविंग रिड्यूस हो रही है क्योंकि जो कस्टमर की क्रिटिक कंज्यूमर पार्ट क्रिटिकल रेट है वो घट कम है और जबकि जो स्टडी ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इस वजह से कस्टमर की सेविंग है वो कम रहेगी। इन दिस वे द एस वाई डिवाइडेड बाई के विल फॉल इट टिल इट रीचेज द क्रिटिकल लेवल क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू इफ एट एनी टाइम एस वाई डिवाइडेड बाई के लेस देन क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड वन माइनस यू दिस सो द इनकम विल ग्रो मोर देन इंक्रीजिंग कैपिटल लीडिंग टू इंक्रीज द सेविंग टिल रीचेज द क्रिटिकल लेवल। जो अगर लेस देन है एस डिवाइडेड बाई वाई एस वाई डिवाइडेड बाई के लेस देन है हमारा क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू से, इसमें हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजप्शन कम हो रहा है और सेविंग बढ़ रही है। ऑल द दिस सो दैट क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू इज कंडीशन टू मेंटेन द स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ विच मेड इज कॉल क्रिटिकल रेट ऑफ ग्रोथ। जो ये ग्रोथ है ग्रेटर देन इक्वल होने पर तो बिल्कुल सेम रहेंगे, वो कोई सेविंग नहीं होगी, कंजप्शन सेविंग दोनों सब बिल्कुल इक्वल रहेंगे। ठीक है, कोई सेविंग नहीं होगी, जितना है सब खर्चा हो जाएगा, सेम बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जब अगर ये ग्रेटर देन वन है तो हमारी इनकम बढ़ तो रही है लेकिन सेविंग बढ़ेगी और हमारा कन जो है प्रोडक्शन कम होगा। और जैसे ही सॉरी है ना, और इसके बाद अगर लेस देन है वो लेस देन वन उससे क्यू एम से लेस देन है वो तो हमारी इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी और जो हमारा कंजप्शन है वो कम होगा। तो इस जो सारी तीन कंडीशन थी जो क्यू वो जो शो कर रहा था क्यू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू था वो शो कर रहा था, ये इसको कहेंगे अपन क्रिटिकल रेट ऑफ ग्रोथ कहेंगे अपने से। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर डे।